हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपोलिक ऑन बजट। और आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा CGM रूटीन एज अ बिगनर। मेरे बाल वेवी हेयर है एंड इसलिए मैं कर्ली गर्ल रूटीन फॉलो करती हूँ। सो एज अ बिगनर मुझे ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करना था, इसलिए मैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ढूंढ रही थी। द बिगनर वी ट्राई डिफरेंट स्टाइलिंग टेक्निक्स एंड वी ट्राई डिफरेंट प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू आवर हेयर पोरोसिटी। सो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स और हम स्टाइलिंग वगैरह सीखे हमारे बाल को क्या सूट होता है एंड उसके बाद इन्वेस्ट करें। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द रूटीन। तो पहली स्टेप है प्रीपू। प्रीपू में हम ना हमारे हेयर को 15-20 मिनट ऑयल लगा के रखते हैं एंड उसके बाद शैम्पू करते हैं। तो मैं ये ब्लैक सीड ऑयल यूज़ करती हूँ। ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, ये थोड़ा सा हैवी है लेकिन मेरे हेयर फॉल होते थे इसलिए मैं इसकी यूज़ करती थी। इसका मैंने अलग से रिव्यू भी बनाया, मेरे चैनल पे चेक करना। आप कोई भी हेयर ऑयल ले सकते हो जो आपके बाल को सूट करते हैं। मैं कभी कभी पैराशूट हेयर ऑयल भी यूज़ करती थी और हेयर ऑयल में तो सिलिकॉन सल्फेट्स वगैरह नहीं होते, इसलिए आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। वन मोर थिंग, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, सिर्फ स्कैल्प पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है ताकि बाल हमारे ड्राई ना हो शैम्पू के बाद। तो शैम्पू की बात करते हैं तो मैं ये जॉनसन्स बेबी का शैम्पू यूज़ करती थी। ये है जॉनसन्स बेबी का शैम्पू एंड दिस वन इज़ टिप टू टो, मतलब एज अ बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, मतलब आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने ये शैम्पू यूज़ किया था बट मैंने बाद में सुना कि ये ज़्यादा बेटर है इसलिए मैंने ये भी ख़रीद लिया था। दिस आर रियली अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, 200 के अंदर आते हैं और बहुत बड़ी बॉटल आती है, 200 ml के हैं दोनों भी। ये जॉनसन्स बेबी का शैम्पू जो है वो ऐसे थोड़ा सा ब्राउनिश टिंट में आता है कलर इसका एंड बहुत ही वाटरी कंसिस्टेंसी है इसकी, तो हमको ना ज़्यादा प्रोडक्ट लगता है यूज़ करने के लिए, तब जाके हमारे बाल थोड़े से क्लींस होते हैं अच्छे से एंड ये ज़्यादा फोम भी नहीं होता है, तो हमको ना ऐसे लगता है कि हमारे बाल अच्छे से क्लीन नहीं हुए। तो फोम ज़्यादा होता नहीं है तो हमको लगता है हमारे बाल अच्छे से क्लेंस नहीं हुए और हम ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं इसका। तो ये ना ज़्यादा हो रहा था यूज़, इसलिए मैंने ये दूसरा मंगाया जॉनसन्स का टॉप टू टो एंड ये ज़्यादा बेटर है जॉनसन्स शैम्पू से। तो अगर आप जॉनसन्स का लेना चाह रहे हो तो आप ये खरीदिए, शैम्पू आप अवॉइड कर सकते हो। ये ज़्यादा फोम भी बेटर करता है और क्लेंस भी अच्छा करता है और ये दोनों शैम्पू का फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा आता है, माइल्ड ऐसे हल्का हल्का कोकोनटी फ्रेग्रेंस आता है इसका। सो ये मैं नॉर्मल डे में यूज़ करती थी लेकिन जब मैंने CGM स्टार्ट किया तब मैं क्लैरिफाइंग शैम्पू भी यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, वो यूज़ किया था मैंने पैंटीन लाइवली क्लीन वाला। वो शैम्पू आपको तभी लगाना है जब आपको ऐसा लगे कि आपके बाल में प्रोडक्ट बिल्डअप हो गया है तभी, एंड नॉर्मल डे में आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर सकते। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ कंडीशनर। CGM रूटीन में कंडीशनर इज़ अ मेन थिंग। शैम्पू आप कोई भी यूज़ करें चल जाता है बिकॉज उसका काम सिर्फ क्लेंस करना होता है, लेकिन कंडीशनर इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मैं बिगनिंग में ये रेवलॉन का कंडीशनर यूज़ करती थी। ये एक्स्ट्रा प्रोटीन करके लिखा है लेकिन ये प्रोटीन नहीं है, ये मॉइस्चर प्रोडक्ट है। ये बहुत बड़ी बॉटल आती है, ये आई गेस कुछ 325 ml की बॉटल है, ये मुझे कुछ 250 के अंदर पड़ी, मैंने ये नायका से ली थी। सॉरी, ये 592 ml का प्रोडक्ट है जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है फॉर द प्राइस वी आर पेइंग। मैंने अमेजोन से अवॉइड किया ये कंडीशनर लेना बिकॉज मुझे ना पता नहीं वो फेक लग रहा था या ओरिजिनल नहीं लग रहा था वो प्रोडक्ट, इसलिए मैंने नायका से लिया। इसकी कंसिस्टेंसी ना ऐसे एकदम लिक्विडी थिन सी है, वाटरी कंसिस्टेंसी है एंड स्लिप पे इसकी अच्छी है। अगर आपको वेट डिटेंगल करना है बालों को तो भी ये बहुत बढ़िया है, बट मेरे को ये थोड़ा सा कंडीशनर मेरे लिए थोड़ा सा लाइट लगा तो मैं इसमें ना थोड़ा सा ऑयल या फिर एलोवेरा जेल ऐड करती थी। फॉर बिगनर्स आई थिंक ये क्वांटिटी और प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया ऑप्शन है। एंड उसके बाद आता है जेल। जेल भी सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है CGM रूटीन में। तो स्टार्टिंग में मैंने ये सेटवेट जेल यूज़ किया, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये 250 ml का डब है एंड मुझे ये कुछ 100 rupees में मिला। ये मैंने नॉर्मल ड्रग स्टोर मेडिकल स्टोर से परचेस किया बट मुझे ना ये डब वाली पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं लगी। इसकी ट्यूब पैकेजिंग भी आती है वो ठीक है क्योंकि इसमें ना आपको हाथ डालना पड़ता है। सो आपने एक बार थोड़ी सी क्वांटिटी ले ली जेल की और अगर आपको और चाहिए तो इसमें आपको आपके वेट हैंड्स जाएंगे एंड दैट इज़ वेरी अनहाइजीनिक, तो डू परचेस द डब वन। मुझे इसकी होल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, अच्छा है ये जेल फॉर अफोर्डेबल ऑप्शन। एंड नेक्स्ट मैं ये एलोवेरा जेल भी यूज़ करती थी, ये मैंने बोरोप्लस का लिया है।
आप कोई भी ऑलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, बस आप प्लांट का डायरेक्ट वाला ऑलोवेरा मत यूज़ करना, बिकॉज उसमें ना उसके जो वाइट वाइट पार्टिकल्स है वो भी आ जाएंगे और वो ना बाल में स्टक होते हैं एंड वो निकालना बहुत मुश्किल है। तो आप मार्केट वाला यूज़ करना, दैट इज़ बेटर। अगर आपको मास्क के लिए यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट प्लांट से निकाल सकते हैं, बट फॉर एज अ जेल आप मार्केट वाला यूज़ करना। ये मैंने कुछ 60-70 का ट्यूब लिया था, दिस इज़ रियली गुड। आप इसको हेयर और फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं एंड बेस्ट ऑप्शन इज़ आप घर में फ्लैक्सिड DIY जेल भी बना सकते हैं, बट मुझे वो बहुत तामझाम लगता है। उसको बॉईल करके उसका पूरा जेल निकालो और फिर उसको ठंडा करके बॉटल में डालो, तो मुझे इतने ज़्यादा पेशेंस नहीं है। सो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी एक्सेसरीज़ के बारे में, बिकॉज फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।